हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे इस लाइव स्ट्रीम पीएससी बायो वाले में। दोस्तों, आपने थंबनेल में ही देख लिया होगा कि टीडीपीजी कॉलेज की जो इंट्रेंस परीक्षा है, प्रवेश परीक्षा है, वो 7 मार्च से स्टार्ट हो गई है। ठीक, यानी कि 8 मार्च से स्टार्ट हो गई। मेरे कहने का मतलब, जो एंट्रेंस एग्ज़ाम का फॉर्म अप्लाई होता है, ठीक, एंट्रेंस यानी कि प्रवेश परीक्षा का जो फॉर्म अप्लाई होता है, वो 8 मार्च से उसकी प्रक्रिया चालू हो गई है। ठीक, यदि आप TDPG कॉलेज से BA, BSc, BCom इन तीनों में से कोई भी कोर्स करना चाहते हैं TD कॉलेज से, तो आपको एक फॉर्म भरना पड़ता है, यानी कि एंट्रेंस फॉर्म देना पड़ता है एडमिशन के लिए। ठीक, यदि आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको एंट्रेंस फॉर्म अप्लाई करना होता है, जिसके दौरान ये एंट्रेंस फॉर्म आप 2 तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। पहला होता है ऑनलाइन माध्यम, दूसरा होता है ऑफलाइन माध्यम। ऑनलाइन में क्या होता है कि आपको साइबर कैफ के माध्यम से, या फिर अपने घर आप PC, लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल, ऐसे सब डिवाइसों से आप अपने फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, फॉर्म अप्लाई करने के लिए बहुत छोटी सी प्रोसेस आपको कंप्लीट करनी पड़ती है, जो आपको TDPG कॉलेज के ऑफिशियल वेबसाइट पे वो चीज़ मिल जाएगी। ठीक, अच्छा, ऑफलाइन में क्या होता है, ऑफलाइन में कॉलेज के द्वारा आपको फॉर्म दिया जाता है, जिसको आपको फिल करके वहाँ जमा कर देना होता है। ये तो बात हो गई कि फॉर्म को अप्लाई करना। दूसरे स्टेप में आता है कि आपका एग्ज़ाम कब होगा, कैसे होगा। तो एग्ज़ाम का क्या क्राइटेरिया है कि आप जब सब एडमिशन एंट्रेंस से एग्ज़ाम मतलब भरे जाते हैं, उसके बाद एडमिशन बंद हो जाता है, यानी कि एंट्रेंस एग्ज़ाम बंद हो जाता है। उसके बाद आपको एक डेस उसके बाद आपका एडमिट कार्ड आता है। एडमिट कार्ड के दौरान आपको एक डेट दी जाती है, जिस पे आपको आपका एग्ज़ाम मतलब किस डेट को है वो बताया जाता है। ठीक, तो अगर BA करते हैं तो उसका अलग डेट आता है, BSc करते हैं तो अलग डेट आता है, और BCom करते हैं तो अलग डेट, यानी कि सभी फैकल्टियों के लिए एक अलग अलग डेट आती है। ठीक, उसके बाद क्या होता है कि आप लोग फॉर्म भरते हैं, परीक्षा देते हैं, रिजल्ट आता है, रिजल्ट के अकॉर्डिंग आपकी काउंसलिंग होती है। काउंसलिंग का मतलब क्या होता है, पहले वो समझिए। काउंसलिंग में वह प्रक्रिया है जिसमें स्टूडेंट नंबर पाते हैं, यानी कि पहली बात समझिए, जो पेपर होता है वो 100 मार्क का होता है, MCQ होता है। ठीक, 100 मार्क का होगा, MCQ होगा। अगर आप इसमें जैसे नंबर पा रहे हैं, मान लीजिए कोई 50 पाया, कोई 60, कोई 70, कोई 80, कोई 90, मान लीजिए ऐसे नंबर पा गया, तो आप काउंसलिंग होगी उनके अकॉर्डिंग टू नंबर, मार्क के हिसाब से, उनके मार्क्स के हिसाब से उनकी काउंसलिंग होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई भी बच्चा है OBC, SC, किसी भी कैटेगरी का है, ठीक, तो उसमें क्या होगा कि मान लीजिए एक दे दिया कि 70 से अगर ऊपर का बच्चा है, उसका काउंसलिंग इस डेट को होगी। ठीक, यानी कि अगर उसमें कोई बच्चा है जिसका नंबर 70 से अबव आया है, तो उसकी काउंसलिंग उस डेट को हो जाएगी। अगली प्रक्रिया क्या होगी, अब उससे नीचे 60 से लेकर के 70 तक, या फिर 50 से लेकर 70 तक दे दिए, उसके बाद 30 से लेकर 50 तक दे दिए, तो ये होता है काउंसलिंग की क्राइटेरिया। ठीक, अगर उसके बाद भी कोई सीट बचती है और उसके नीचे बच्चे हैं, तो भी उनकी एडमिशन हो जाती है। तो ये ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों के लिए होता है। ठीक, तो ये प्रक्रिया होती है आपके TD कॉलेज में एंट्रेंस की। जैसे एंट्रेंस में आप पास हो गए तो आप एडमिशन आसानी से ले सकते हैं। जो एंट्रेंस का जो पैसा होता है वो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों 700 रुपये होते हैं। इस बार 700 रुपये कर दिया गया है, पिछली बार इससे थोड़ा कम था, यानी कि 700 रुपये आपको पे करने होंगे, किसके लिए, आपके एडमिशन के लिए। ठीक, मोटी मोटी बात ये रही। दूसरी बात, अगर आप ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं तो उससे आपके क्या बेनिफिट्स हैं। ऑनलाइन फॉर्म अगर आप भरते हैं तो आप घर बैठे ही ऑनलाइन फॉर्म भर लेंगे, आपको कॉलेज जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, पहला बेनिफिट ये। दूसरा बेनिफिट, कोई भी इन्फॉर्मेशन होगी तो आपको मेल या फिर SMS के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से आप तक पहुँचा दिया जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका पेपर है, पेपर की डेट आपको नहीं पता, तो आपको मैसेज करके 2 दिन 3 दिन 4 दिन पहले आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि आपका इस डेट को आपका एग्ज़ाम है। ठीक, ये होती है आपके ऑनलाइन में फ़ायदे। ठीक, अगर कोई भी नोटिफिकेशन जारी होता है बाय डिफ़ॉल्ट एंट्रेंस से दौरान, एंट्रेंस के जैसे रिलेटेड कि आपकी एग्ज़ाम आज नहीं उसकी किसी दूसरे दिन होगी, तो उस सब की जानकारी भी आपको मैसेज के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से आपको मेंशन कर दिया जाता है। ये सब फ़ायदे होते हैं आपके ऑनलाइन के। ऑफलाइन में क्या होता है, ऑफलाइन में बस वही साइबर कैफ की चार्ज नहीं लगती, यानी कि अगर आप साइबर कैफ से फॉर्म भरवाते हैं तो साइबर कैफ अपना चार्ज जोड़ता है, लेकिन ऑफलाइन में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। वो कॉलेज वाले फॉर्म आप भर के दे देंगे, वो आपको फॉर्म मतलब आपका फॉर्म रिसीव कर लेंगे, उसके बाद आपको एक डेट देंगे जिसके आप परीक्षा देंगे, फिर आपका रिजल्ट आएगा काउंसलिंग का, फिर एडमिशन
हो जाएगा आपका। तो ये होता है, लेकिन उसके दौरान आप कोई मतलब आपको कोई व्हाट्सएप नंबर तो आपको लेते ही हैं, लेकिन साधारणतः वो लोग आपको उतना मैसेज नहीं दे पाते, नोटिफिकेशन नहीं दे पाते कि आप जा करके वहाँ पे जो है कि आपके मैसेज पे आप घर पे ही रहें और आपके पास मैसेज आ जाए कि हाँ कि मेरा इस डेट को एग्ज़ाम है। ठीक, तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, बाय डिफॉल्ट इस बार हो सकता है कि दे दे, आगे नहीं बता सकते, लेकिन अभी तक तो ऐसा ही होता आ रहा है। ठीक, अच्छा ये बात हो गई ऑनलाइन और ऑफलाइन की बात, एडमिशन की बात। अब एडमिशन की फॉर्म आपको कैसे मिलेगी, अगर आप ऑफलाइन का फॉर्म भरना चाहते हैं तो अभी आपको वेट करना होगा। ठीक, वेट करना होगा कि जैसे अभी तो यहाँ पे सेमेस्टर की परीक्षाएं हो रही है, परीक्षा के बाद हो सकता है कि उसका ऑफलाइन फॉर्म मिलना प्रारंभ हो जाए। लेकिन ऑनलाइन अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो आप उसके ऑफिशियल वेबसाइट TDPG कॉलेज के ऑफिशियल वेबसाइट पर चले जाइए, तो आपको कुछ इस प्रकार का डैशबोर्ड देखने को मिलेगा जिस पे लिखेगा प्रवेश परीक्षा 2000 हेतु आवेदन जारी। ठीक, तो आप यहाँ पर न्यू रजिस्टर करेंगे, न्यू रजिस्टर करने के बाद आपको अपना UG PG पोस्ट ग्रेजुएट क्या आप करना चाहते हैं सारी डिटेल आपको फिल करनी होगी, फादर नेम, मदर नेम, उसके बाद आपका नेम। ठीक, उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि वो उसी के हिसाब से आपकी मतलब वो जो आपका रिजल्ट आता है उसको ओपन करने के लिए, उसको देखने के लिए आप अपने मोबाइल नंबर या फिर नंबर, ठीक, यानी कि आपका नाम या आपका मोबाइल नंबर, आपका पासवर्ड बना दिया जाता है, सॉरी आपकी ID बना दी जाती है और पासवर्ड आपका डेट ऑफ बर्थ रहता है। तो ये होता है आपका प्रवेश परीक्षा के लिए थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैंने बता दिया। अगर आप TDPG कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप जा करके ऑफिशियल वेबसाइट से ले सकते हैं। तो इतनी बात हो गई एडमिशन की, अब एडमिशन अप्लाई आप कर दीजिए। अप्लाई करने के लिए जो है कि आपको सिंपली क्या करना है कि TDPG कॉलेज आप जैसे ही गूगल पे डालेंगे तो आपको उसकी ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएगी, वहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन या फिर प्रवेश परीक्षा 2023 का आपको दिखेगा लिंक, वहाँ पे आप टच करके अपने फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, अब बात होती है कि उसमें कितने क्वेश्चन, कितने टाइप के, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी दे दें। ठीक, जो आपके TDPG कॉलेज के एंट्रेंस कराया जाता है वो 100 नंबर का होता है, जो मैंने आपको बता दिया था 100 नंबर का होता है, जो 100 मार्क का होता है, कोई माइनस मार्किंग नहीं होती। माइनस मार्किंग का मतलब क्या होता है कि जैसे आपने कोई क्वेश्चन गलत कर दिया तो उसके नंबर कट जाते हैं, उसी को बोलते हैं माइनस मार्किंग। बट इस एंट्रेंस में कोई माइनस मार्किंग नहीं होती है। ठीक, पहली बात। उसके बाद जो भी आपका एग्ज़ाम होता है वो OMR शीट पर होती है। OMR शीट पर आपको अपना रोल नंबर, अपना आपका नेम, जो भी चीज़ें होती हैं, पेपर का कोड वहाँ पे फिल करना होता है। ठीक, तो ये सब रहा बात आपके पेपर से रिलेटेड। और आपको बता दें कि क्वेश्चन किस प्रकार से पुटअप किया जाता है, तो आपके GK और GS से लगभग 10-10 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, यानी कि 10 क्वेश्चन आपको GS, GK, 10 क्वेश्चन आपको GK से देखने को मिलते हैं। ठीक, मैथमेटिक्स क्वेश्चन देखने को मिलते हैं आपको। ठीक, साइंस से यानी कि जीव विज्ञान, फिजिक्स और केमिस्ट्री से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। वहाँ पे आपको 10 नंबर कंपलसरी मिलता है आपको आपके इंग्लिश ग्रामर से, और 10 ही नंबर यानी कि 10 क्वेश्चन मिलता है आपको आपके हिंदी के ग्रामर से, यानी कि हिंदी के ग्रामर और इंग्लिश के ग्रामर से आपको 10-10 नंबर देखने को मिलते हैं। कुछ आपको रीजनिंग के क्वेश्चन 2-4 नंबर को देखने को मिल सकते हैं, यानी कि 2-4 प्रश्न आपको रीजनिंग के मिल सकते हैं। तो हम अपने क्लास पे आपको टेस्ट की यानी कि एंट्रेंस टेस्ट की भी तैयारी करा देते हैं कि आपको किस प्रकार से क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है। आपको हम क्वेश्चन पेपर भी बता देंगे, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, कुछ क्वेश्चन भी दिखा देंगे आपको। ठीक, ताकि आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम भी आसानी से हो जाए। दूसरी बात, जैसे आपने एडमिशन ले लिया, अगर आप BA, BSc, BCom कुछ भी करना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइए, हम आपको PA, BSc की कंप्लीट तैयारी कराते हैं। ठीक, अगर आप BSc बायोलॉजी जूलॉजी से पढ़ते हैं, ठीक, तो काफ़ी अच्छी है, तो आपको हम वहाँ पे BSc फर्स्ट सेमेस्टर हो या सेकेंड सेमेस्टर, अब तो सेमेस्टर वाइज हो गए सब सारी क्लासेस, तो आपको सेमेस्टर वाइज पढ़ना पड़ता है। तो सेमेस्टर में हम आपको बता देंगे कि कैसे आपको जूलॉजी की तैयारी करनी है, कैसे बॉटनी की करनी है। ठीक, तो ये सब चीज़ें आपको बता देंगे, आपको PDF नोट्स भी दे दिया जाएगा कि आप घर बैठे ही अपने BSc की तैयारी कर सकते हैं। ठीक, अच्छा, अगर आप सेमेस्टर की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़ जाइए। और एक बात, अगर आपके इन दोनों के दौरान आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम के दौरान कोई फॉर्म में अप्लाई करने की कोई त्रुटि मिलती है, तो अगर कोई भी आपके डाउट क्वेश्चन बनते हैं, कोई आपकी क्वेरीज होती है, तो आप सिंपली हमारे व्हाट्सअप नंबर 9598308044 पे व्हाट्सअप के थ्रू
व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज करके आप अपने डाउट क्वेश्चन को हमसे पूछ सकते हैं। ठीक, जो भी जानकारी आपको लेनी हो तो आप हमसे व्हाट्सएप के थ्रू पूछ लीजिए, आप हमसे हमारे कमेंट बॉक्स में हमसे आप क्वेश्चन अपने पूछ सकते हैं। ठीक, और अगर आपको जानना है कि ऑफलाइन की प्रक्रिया कब से स्टार्ट होगी तो आप हमारे व्हाट्सएप से जुड़ जाइए, हमारे नंबर को आप सेव कर लीजिए। जैसे ही कुछ इन्फॉर्मेशन कॉलेज की तरफ से मिलती है तो आप हमको हम आपको व्हाट्सएप स्टेटस के माध्यम से आपको मेंशन कर दिया जाएगा हाँ कि इस डेट को आपकी ऑफलाइन प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है या फिर इस डेट को आपका रिजल्ट आ रहा है, एडमिशन एडमिट कार्ड कब आ रहा है, सारी चीज़ें हम आपको वहाँ पर बताते चले जाएंगे, जिससे आपकी घर बैठे ही आपको सेमेस्टर यानी कि एडमिशन की कम संपूर्ण जानकारी आपको मिल जाए और कहीं आपको जाना न पड़े। तो ये अगर आप इंटर करने के बाद बीएससी या बीए भी करना चाहते हैं तो आप आसानी से घर बैठे ही एडमिशन ले सकते हैं और अपनी तैयारी को अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा सकते हैं। चलिए दोस्तों, अगर कोई डाउट क्वेश्चन मिलते हैं तो आप हमसे पूछ लीजिएगा। पेज मिलते हैं किसी अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।